वेलकम टू खुंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम अपनी ट्रिक से क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से और फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, अब देखिए उनको ध्यान से। फर्स्ट इज क्या होगा कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एम है, और ए अब जो होगा दूसरी लाइन में इसके कोफिशियंट्स बदले हुए होंगे। जैसे ए के साथ क्या होगा, कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, सॉरी इसमें यहाँ माइनस होगा, माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू एन। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, साइन और कोस होंगे और इनके जो कोफिशियंट्स हैं वो बदले हैं। जैसे साइन के साथ ए है, यहाँ साइन के साथ बी आ गया, कोस के साथ बी है, यहाँ कोस के साथ ए आ गया, और एम एन बीच में माइनस का साइन होगा। क्वेश्चन इस टाइप का दिया होगा तो उसमें बीच में माइनस का साइन आपको दिया होगा ऑटोमेटिकली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर जो इसका कोफिशियंट है प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो साइन थीटा का रिजल्ट होता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, हमारे ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट हो जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो हमारा रिजल्ट थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। शॉर्ट मेथड के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि साइन और कॉस में है, ये साइंस बदले हुए हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और इनके कोफिशियंट्स बदले हुए हैं। तो सीधा कोफिशियंट्स का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर, मतलब ये जो कोफिशियंट्स होंगे इनका स्क्वायर इक्वल टू इन कॉन्स्टेंट्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हैं हमारे आज के वीडियो में, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी 3 रिजल्ट्स हैं, ये देख लीजिए आप। सेकंड अब है ए सीकेंट थीटा प्लस बी टेंजेंट थीटा इक्वल टू एम दिया होगा, ए सीकेंट थीटा प्लस बी ए टेंजेंट थीटा प्लस बी सीकेंट थीटा इक्वल टू एन। सीकेंट और टेंजेंट का हमारा ये फॉर्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये ध्यान रखना है कि सीकेंट के साथ टेंजेंट हो, कोफिशियंट बदले हुए हों, साइन दोनों प्लस ही रहेंगे इस केस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है कि सीकेंट पहले होना चाहिए, प्लस के साइन में सीकेंट हमारा पहले होना चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन को अरेंज करके देगा, बट थोड़ा सा ध्यान भी रखना है क्वेश्चन करते हुए कि सीकेंट के साथ जो कोफिशियंट है वो लेना है। ए स्क्वायर इसमें क्या करेंगे, इस केस में माइनस का साइन करेंगे, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए माइनस करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। थर्ड रिजल्ट है इस टाइप का ए ऑफ, तीसरा रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा वन होता है। ये तीनों रिजल्ट हमारी 10th क्लास में आ चुके होते हैं। ए ऑफ कोसेकेंट थीटा प्लस बी ऑफ कोटेंजेंट थीटा एम हो, ए ऑफ कोटेंजेंट थीटा बी ऑफ कोसेकेंट थीटा एन होगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। कोसिकेंट है, कॉट है, कोफिशियंट्स जो हैं बदले हुए हैं, यहाँ ए था इधर बी हो गया, बी था कॉट के साथ यहाँ ए हो गया, यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यूज यानी कोफिशियंट के स्क्वायर का माइनस इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये रिजल्ट हैं 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम में, कैसे इनको डील करना है, इनके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। इफ ए कोस थीटा, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा हमें दिया है 3, और ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा है हमारे पास 4,
और हमसे ये पूछा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो इस रिजल्ट से हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, हमारे कोफिशियंट्स कोस के साथ साइन बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो कोफिशियंट्स बदले हुए हैं, यहाँ कॉन्स्टेंट्स है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। अगर आपको ये रिजल्ट पता होगा तो विद इन सेकेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमें क्या दिया गया है, x by a cos theta, y by b sin theta equal to 1. Next is x by a sin theta minus y by b cos theta equal to 1। और हमें theta को eliminate करना है, eliminate करना है मतलब theta नहीं होना चाहिए, तो हमारा ये result बन सकता है, cos है, कोस है, साइन है, इधर भी साइन है, कोस है, यहाँ कोफिशेंट्स चेंज हो रखे हैं, प्लस का साइन माइनस है, तो क्या करेंगे, एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, इसका कोफिशेंट प्लस वाई बाय बी का होल स्क्वायर, कोफिशेंट्स का स्क्वायर ले लिया, ये कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ से पता होने पे हम डायरेक्ट आंसर कर सकेंगे कि कोफिशियंट्स का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर। तो आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कि कोटेंजेंट के साथ कोस दिया गया है। ये दो रिजल्ट्स हैं कि अगर कोटेंजेंट के साथ ए कोटेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू एम दिया है और कोटेंजेंट थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू एन दिया है, ये एक रिजल्ट है जो हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है हमारी वो होनी चाहिए, कोटेंजेंट के साथ ऊपर वाली कोस वैल्यू, तो एम और एन के फॉर्म में है, तो हमें डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या याद रखना पड़ेगा कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एम एन इक्वल टू 16 एम एन। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम देख लेंगे थर्ड का सी। ये रिजल्ट्स भी आते हैं और इसके क्वेश्चन भी बेस्ड होंगे जहां एम और एन की वैल्यूज दी होगी, तो हम उसको डायरेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा दे रखा है, इसी तरह का एक रिजल्ट और बनता है टेंजेंट की फॉर्म में कि टेंजेंट थीटा दे दिया, तो टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो यहाँ क्या होगा, इसके साथ साइन थीटा होगा वो एम बनेगा और टेंजेंट थीटा माइनस में साइन थीटा क्या बनेगा, एन। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होगा कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एम एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एम एन। ये होल स्क्वायर की गड़बड़ मत कर देना क्योंकि इसका स्क्वायर लेना होता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज दी हुई है, प्लस में साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यूज हमें दे दी 17/13 और हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। साइन थीटा कोस थीटा है, प्लस का माइनस है, कोफिशियंट्स दोनों में 1 है, तो यहाँ भी 1 है, तो कुछ चेंज का ऐसा है नहीं, तो इसके कोफिशियंट्स का स्क्वायर, यहाँ इसका कोफिशियंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, इसके कोफिशियंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर, इसको हम एक बार x मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर क्या होगा 17/13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2 = 17 का स्क्वायर होता है 289, 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 289 बाई 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 169 टू जा 338 माइनस 289 बाई 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 338 में से अगर हम 289 माइनस करेंगे तो ये बनता है 49 बाई 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी एक्स की 7 बाई 13। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा है भी ये वाला रिजल्ट है, टेंजेंट के साथ साइन होना चाहिए, कॉट के साथ कोस होना चाहिए। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी इसमें, टेंजेंट थीटा प्लस साइन थीटा को उसने दे रखा है 1 m a, और टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा को दे रखा है b। तो a स्क्वायर यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर होता है, पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है 16 m n होता है। और उसने पूछा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिर्फ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 4√mn। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4√mn इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ में क्या है कि a secant theta प्लस b tangent theta हमें दे दिया x, और a tangent theta प्लस b secant theta हमें दे दिया y। एलिमिनेट theta, मतलब theta नहीं होना चाहिए, secant और tangent हो तो हमें क्या करना है, कोफिशियंट्स के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करके इधर से कॉन्स्टेंट्स के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में क्या दे रखा है कि 5 ऑफ कोसेकेंट थीटा प्लस 7 ऑफ कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 है, और हमें वैल्यू बतानी है 7 ऑफ कोसेकेंट थीटा प्लस 5 ऑफ कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोसेकेंट है, कोसेकेंट है, कोटेंजेंट है, प्लस का साइन है, कोफिशियंट्स बदले हुए हैं, वही प्रोसीजर कि इसके कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस का साइन 7 का स्क्वायर, जो हमारा थर्ड रिजल्ट था ये वाला ए स्क्वायर, मतलब जो कॉन्स्ट 5 है कोफिशियंट, ये ध्यान रखना है कि कोसिकेंट के साथ जो है वो कोफिशियंट पहले लेना है, सिकेंट के साथ जो इसमें होगा वो कोफिशियंट पहले लेना है। तो कोसिकेंट के साथ है यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 25 माइनस 49 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 49 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 24, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आगे प्लस का हो जाएगा तो 25, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हम प्लस माइनस की फॉर्म में लेते हैं तो प्लस माइनस 5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि इन क्वेश्चंस में हम कितने जल्दी, कितनी इजीली, कितनी फास्टली और एक्यूरेटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये 5 रिजल्ट्स पता हैं। ये 5 रिजल्ट्स हमें पता होने ज़रूरी हैं, 3 ये और ये, इनसे क्वेश्चंस को हम
हर तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ही जगह कोफिशियंट्स दिया हो तो बस वैल्यूज़ ही रखनी है। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।